नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हम हैं विंगचुन सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। जी हां, आप लोगों के कमेंट में देखता रहता हूं। और तो भाई, विंगचुन सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, कैसे शुरू करते हैं उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दबाएं। दबा लिया? चलिए, जिन्होंने नहीं दबाया वो दबा लीजिए, मैं आपके लिए रुका हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी फिटनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बॉडी को वार्म कर लीजिए। वार्म करने का तरीका सिंपल है, आप जंप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ खड़े खड़े मैं जंप्स कर सकता हूँ। तो 100 बार जंप कीजिए, मिनिमम 100 बार जंप करना है और कोई भी 100 जंप कर सकता है। बहुत सबसे कॉमन और सबसे बेसिक होता है 100 जंप्स करना। जब आप जॉगिंग करते हैं तो लगभग 500-700 बार ईजिली कर लेते हैं थोड़ी सी दूर में। ठीक है, अब जंप के बाद क्या होता है विंग चुन में? बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो आती है वो फाइट स्टांस है। तो ये विंग चुन सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि कोई भी बिगिनर सीख सके आसानी से। तो अगर आप बिगिनर हैं तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप ही के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइट स्टांस की। कंधे जितने हैं आप उतना पैर खोल लीजिए, तो को इनसाइड रखिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ये फाइट स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि अगर आपको नॉर्मल में अगर कोई धक्का देता है पीछे तो आप पीछे गिर जाएंगे। मैंने पहले भी दूसरी वीडियोस में बताया है कि भाई ऐसे खड़े होते हैं तो हम पीछे गिर जाते हैं। विंग चुन में नहीं, ऐसा नहीं होता। विंग चुन में दोनों टोज अंदर होते हैं जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ बैलेंस मिलता है। जैसे ही बॉडी पीछे जाती है लेग्स बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं पर लेग अंदर लॉक रखने की वजह से हम पीछे गिरते नहीं हैं। गिरेंगे ज़रूर, अगर कोई ज़ोर से धक्का देगा तो गिर जाएंगे, बट बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम 90% गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लॉकिंग की। ब्लॉकिंग सिस्टम फाइट स्टांस कैसा होता है? ठीक है, इसमें अपना उल्टा हाथ आगे रखना है और सीधा हाथ नीचे रखना है। अगर आप फाइट स्टांस ऐसा बनाते हैं तो जस्ट ऑपोजिट करना है। ठीक है, सिंपल। ये हाथ पॉइंट करता है ओपोनेंट को पॉइंट करना है ताकि हम उसकी तरफ अलर्ट रहें और वो हमारी तरफ अलर्ट रहें। मतलब मेनली अपने को ही फोकस करना है, इससे सामने वाले की तरफ हम इजीली कोई भी ब्लॉक अटैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल के लिए बुलाना चाहूँगा संतोष तिवारी जी को। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच सर शो पे आने के लिए। आप पहले भी क्रामा का सीरीज में आ चुके हैं, बिहाइंड द सीन इनके साथ कुछ मैं इनको शेयर कर रहा हूँ, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं सर। आप मुझे कुछ अटैक्स कीजिए जो रोड पे हो सकते हैं, वो अटैक्स जो भी कुछ भी हो सकते हैं वो अटैक्स कीजिए, जिससे मैं ट्राई करूँगा बचने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 अटैक्स थे, चलिए देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। स्टेप वन, हमारी यहाँ पे जो हाथ है मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है, मैंने सबसे पहले तो इन्हें पॉइंट कर रखा है सामने, ये पॉइंट कर रखा है जिससे कि इस रेंज के अंदर नहीं आ सकती। ये मेरी रेंज है, ये बाउंड्री बन गई, ये रेंज है इतनी। ठीक है, इस रेंज के अंदर नहीं आ पाएंगे। अब ये अटैक कर रहे हैं, अटैक जोर से, मैंने ब्लॉक किया। ब्लॉक करते से ही आप इसे नीचे की तरफ ले जाएं और अटैक करें वापस, 1 2 3 सीधे, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, वापस से करते हैं 1 2 3 यहाँ सीधे यहाँ पर मारना है मुँह पर, जिससे कि आप इजीली सामने वाले को दूर कर पाएंगे और सामने वाला जो ओपोनेंट है इजीली गिर जाएगा और वो आपको अगेन अटैक नहीं करेगा। दूसरा सीखते हैं 1 और 2, जैसे ही 2 आता है 2 के बाद भी सीधे मार सकते हैं 1 2 3। अगर डबल अटैक आपको लगता है कि डबल अटैक आने ही वाले हैं तो 1 2 3, या डायरेक्ट 2 भी आ रहा हो सेकंड वाला अटैक मारी जोर से। इसमें दोनों हाथ का उपयोग इजीली कर सकते हैं आप, और ऐसा नहीं है कि अनिवार्य नहीं है कि आप इसी से करें, बट हमेशा राइट वाला अटैक के लिए रखते हैं ताकि ज़्यादा ज़ोरदार अटैक हो, पावरफुल अटैक हो। ठीक है, चलिए अब तीसरा अटैक जो लोअर अटैक था, ब्लॉक करें और ऐसे मारें। ऑलरेडी ये हाथ हमारी ये नीचे आ गया, आप चाहें तो इसे होल्ड कर लीजिए, ग्रिप कर लीजिए, नीचे दबा के रखिए और अटैक कीजिए। आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं मारने के लिए, ज़ोरदार अटैक होगा मारने के लिए। ये रिस्ट का ऊपर वाला पार्ट है, पाम के जस्ट पीछे वाला पार्ट, इससे मारना है आपको, इसे ताइची अटैक कहते हैं। ये ऐसा होता है बट अपने को यहाँ पर ऐसा मारना है, लॉक रखना है हाथ को और यहाँ मारना है। सॉरी सर, अगेन लोअर अटैक 1 2, अगेन 1, और मैंने पकड़ लिया, दबा के रखा है और अटैक किया, और इधर से दूसरा हाथ आने का चांसेस नहीं, अगर आ भी गया तो मुझसे पहुँचेगा नहीं, स्लैप कीजिए उधर से, मैं सेफ जोन में हूँ। अगर वो मुझे मार भी रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा है, मारते रहिए 2-3 बार, पहुँच ही नहीं रहा मुझ तक, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट अटैक करते हैं उधर से कीजिए 1, ये ब्लॉक किया और
सीधे मुंह पर, ठीक है? अगर वो उधर से अटैक करते हैं, अटैक कीजिए उधर से, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, क्लियर है? एक बार अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैं लास्ट वाला फिर से बता रहा हूँ। 1 और 2, अटैक कीजिए उधर से, ठीक है? सिंपली मतलब आप इजीली सामने वाले को अपने दोनों हाथ से इजीली बच सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो। बहुत बेसिक ट्रिक्स है ये, बहुत बेसिक है, जिसे हैंड डिफेंस बोलते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ठीक है? आगे और भी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले कमेंट में नीचे लिखिए कि कितने लोगों को अच्छा लगा कि मैं कुंफू का एक हिस्सा जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही ट्रेंड में है, मैं लेकर आया हूँ। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करो पहले, मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है। अगर आप लोग मुझसे कम्युनिकेट नहीं करोगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। जो लोग सच में विंगचुन या मार्शल आर्ट्स या इप मैन जैसी मूवीज़ पसंद करते हैं या मार्शल आर्ट्स पसंद करते हैं, उन लोगों को प्लीज़ 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 शेयर करो। शेयर करोगे तभी अच्छा, ठीक है? शेयर करने के लिए अपने बहुत बार लोगों से बोला है, बट लोग हाँ शेयर नहीं करते। तो जिन लोगों ने शेयर किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने शेयर नहीं करा है और देखते हैं वीडियो, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, मैं फीस डिमांड कर रहा हूँ कि मेरी फीस ये है कि आप बस 4 से 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, बस मुझे ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरी फीस मुझे मिल जाएगी, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सर।